सबसे पहले हमारी बिटिया रानी के लिए सुंदर सा ड्रेस भाभी के लिए, ये देखिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रूबी आर्या ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों भी शाम का टाइम है और आज का ब्लॉग इवनिंग से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी को गुड इवनिंग। अभी चल रहा है नवरात्र का टाइम, तो जय माता दी कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप सबने पिछले ब्लॉग में देखा था कि हमारे यहाँ क्या रिचुअल होता है, आप सबने उसमें बहुत सारा प्यार भी दिया था। कुछ लोग जो बैड कमेंट करते हैं उनका तो काम ही है करने के लिए। तो चलिए अभी हमें शाम में कुछ बहुत सारी तैयारियाँ करनी है, क्योंकि हमारे शाम में मतलब ऐसे दिन भर तो मनता ही है पूजा पाठ, बट सबके घर के अलग अलग होते हैं रिवाज की किस प्रकार से किया जाता है। और वैसे भी पास सब्जी वगैरह तो बनाना अनिवार्य है, क्योंकि आज के ही दिन सारे चीज़ भाभी को मिलेंगे खाने के लिए, तो वो हमें तैयारियां करना है। जिसमें दीदी वहां पे भीड़ चुके हैं, अभी जा रहे हैं फटाफट से। और हमारे आज का घर में पूजा भी था, क्योंकि मम्मी दोनों साथ में कर दी हैं, तो मम्मी को भी अलग से पूजा का तैयारी करना है, तो वो अलग काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा है। और चिकू सुबह से नहीं नहाए थे, और खास करके डुगू के पापा यहाँ पे नहीं हैं। डुगू नहीं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बट क्या करें, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसे होती है जो इग्नोर करना पड़ता है, बट कोई नहीं। और अभी दिखाते हैं चिकू को, अभी जस्ट दीदी नहलाई है बाबू को, क्योंकि सुबह से नहाने थे, इतना ज़्यादा लहर चल रहा था ना, लहर की वजह से बाबू को नहीं नहाए। तो दीदी का कहना है थोड़ा लहर जैसे ही कम होगा उसके बाद बाबू को नहला देंगे। और मम्मी भी किचन में साथ में भिड़ी हुई हैं, और देखिए इधर मस्ती चल रहा है बाबू का, गोले गोले घूम घूम के खेल रहे हैं। इधर दीदी सब, हाँ, और आज और भी बनाना है दीदी, अभी हमें और भी कुछ बनाना है, इसलिए देखिए फ्रिज खोलते हैं और यहाँ से निकालना है कुछ सब्जी। मम्मी कटहल निकाल दी है, अच्छा कुछ अलग ना, तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, क्योंकि सारा सब्जी धीरे धीरे पापा भी गए हैं मार्केट, सारे सब्जियां ला रहे हैं, क्योंकि माँ लोग भी आए हुए हैं, तो कहते हैं मेहमान लोग आते हैं तो बहुत खरीदारी होती है। देखिए ये होते हैं सब्जी, कितना अच्छा मान सम्मान है मम्मी देती है सब्जी, बट कुछ लोगों को तो आँख में हमेशा अटकते रहता है। और आज के ब्लॉग में आप सबको देखने को मिलेगा, आप सबने बहुत सारा कमेंट किया था कि रूबी इतनी सारी खरीदारी की हो, आज मम्मी बहुत सुंदर लग रही है। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि मम्मी रूबी इतनी सारी खरीदारी की हो, क्यों की हो, तुम दिखाई नहीं क्या क्या खरीदी हो, तो वो भी आप सबको ब्लॉग में देखने को मिलेगा किसके लिए हमने क्या क्या खरीदा है, क्योंकि ये पूरा फुल वीडियो बहुत इंजॉय होने वाला है। थोड़ा सबको रेडी शेडी भी होंगे, हमारे भाभी श्री एकदम बोर हो रहे हैं रूम में बैठे बैठे, और एकदम बस घूमे जा रहे हैं। देखिए बैठ लीजिए, नहीं अपना कमरा देख रहे हैं, अब कमरा वैसे ही है, कपड़ा दिख रहा है, अच्छा सब मोड़ के रखना है भाभी, तो इधर बना लेते हैं ना। तो दोस्तों ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों अभी जस्ट चावल चढ़ा दिए हैं, और इधर दूध भी चढ़ा दिए, क्योंकि दूध का बनाना है खीर। और इधर देखिए आज क्या क्या हमारे यहाँ छनाएगा, ये तिलौरी है, और ये है छानने के लिए जो कि जोरी है, और आज बना के भाभी को देंगे। दूसरी तरफ देखिए आ चुका है पनीर, और अभी हम बनाने जा रहे हैं पनीर की सब्जी। इधर प्याज भी कट कर लिए हैं, जल्दी बनाते हैं, अभी बाबू को नमा लिए हैं, तो हम दीदी दोनों मिलकर फटफट से जल्दी कर लेंगे खाना। पहुँचे चावल डाले तो पहुँचे हैं, मसाला दीदी फ्राई करके पीसे हैं दीदी, मसाला फ्राई करके पीस दें, नहीं तो दीदी आज अलग तरीके से पनीर की सब्जी बनाने वाली है। पिछली बार मसाला फ्राई करके बनाए थे, आपको केला यहीं पे रह गया दीदी, खा जाइए, दिया जाए मम्मी दिया जला रही है तो। केला और प्रसाद भी आया है छठ माता का, वो आंटी नहीं थे वही दीदी, नहीं शाम को ला कर दिए। इधर हमारी मम्मी जी देखिए दिया जला रहे हैं, इधर माँ देखिए चीकू का मस्ती से कैसे खिलाया जा रहा है, माँ एक मस्ती से नानी की गोदी में है, तो चलिए बनाते हैं खाना फटाफट से। दोस्तों खाना उधर हमारा हो चुका है कंप्लीट, इतना ज़्यादा गर्मी है ना कि क्या ही बताया आप सबको, पूरा हालत बेहालत हो जा रहा है। चीकू को भी बिल्कुल सी वैसी गंजी पहना के उसको हम डाइनिंग हॉल में ऐसे सुला दिए हैं, वो मस्त भी खेल रहा है, बना रेडी भी नहीं होने देगा। दूसरी तरफ हमारी प्यारी भाभी जी बस अभी रेडी ही हो रहे हैं, थोड़ा हेल्प कर दे रहे हैं। इधर दीदी देखे आ गई, हाँ फैन बढ़ा दें, नहीं मिल रहा है,
तो इधर देखिए, अभी हम भी जा रहे हैं रेडी होने के लिए। इसमें कुछ चूड़ी है क्योंकि पारा पारे ही रेडी होंगे तो अच्छा होगा। उधर भी देखना है और बाबू सब दोस्त लोग भी आ चुके हैं और आज हम पहनने वाले। नहीं भाभी उसमें नहीं था, सिर्फ इसी टाइप का था दो तीन को। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मम्मी कौन सा नियम कर रहे हैं, भाभी जी भी रेडी हो चुके बैठ चुके हैं यहाँ पे। और ये जो रस्म है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इधर मम्मी दीदी लोग कुछ लोग इस रस्म को करते हैं, सबकी अपनी अपनी परंपरा होती है। उधर बैलून भी, इधर मामा भी पूरी तरह से कर लिए। देखिए मामा कितनी प्यारी लग रही है इधर। ये देखिए क्या हुआ दी, बैलून गिर गया। चलिए फिर से हो जाएगा, वो खत्म हो चुका है। हाँ जी, हम लोग जो छोटा था मम्मी हम लोग किए थे, तो हम लोग अभी अपना बचपन मैया में देख रहे हैं। सबकी अपनी अपनी, हाँ सबकी अपनी अपनी परंपरा होती है। गोलू मोलू को चलिए हम लोग भी फटाफट से रेडी आते हैं। दीदी हे गाइस, ये देखिए आज हम कैसे लग रहे हैं, सिंपल सा ही रेडी हुए हैं। आप सब जानते हैं कि बेबी को लेकर रेडी होना कितना डिफिकल्ट है। और बाबू अभी हमको देख के बहुत अच्छे से एकदम स्माइल दे रहे हैं, आप सबको दिखाएंगे। बाबू को रेडी नहीं किए, रीजन है कि बहुत ज्यादा गर्मी है, इनको पहनाएंगे तो फिर चिल्लाना शुरू कर देंगे। जल्दी जल्दी हम लोग भी जो भी फंक्शन है थोड़ा बड़ा छोटा मोटा अटेंड कर लेते हैं। और ये देखिए साड़ी, आप सब बताइएगा, ये पूरा पीछे का लुक। और आपको हम भाभी से ही मिलवाएंगे, वो भी बहुत अच्छे से रेडी हो गए हैं, पर थोड़ा सा सब जानते हैं क्या रीजन होता है, तो बस आप सब बताइएगा। तो चलिए हम हो चुके हैं रेडी, और अभी तक चिक्कू को नहीं रेडी किया, रीजन है कि बहुत ज्यादा गर्मी है और बाबू को भी नहीं करेंगे। हाँ देखिए देखिए देखिए, अरे मामू की गोदी में कितना स्माइल कर रहे हैं। हाँ और पूरा काजल देखिए पूरा एकदम पोत लिया है, इतना गर्मी ही है। इधर मम्मी जी बैठे हुए हैं, इधर भाभी श्री बैठी हुई है, एकदम कितना सुंदर लग रही है। फिर जिता गया कहा दीदी, थोड़ा सा मुमेटिंग कर दिया, अभी पोस्ट दे रहे हैं आगे। अभी दीदी का इंतजार कर रहे हैं और भैया का, भैया क्या बोले भाभी आ रहे हैं ना। और हमारी क्यूट सी बेबी देखी या, अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इधर फाइनली दीदी अपना गिफ्ट ओपन कर रहे हैं, और ये ओपन 1 2 3 के बगैर तो लक्ष्मी जी खुश हो ही नहीं सकते हैं। तो ये दीदी की तरफ से बहुत ही सुंदर और प्यारा सा गिफ्ट है, तो आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ये पहले घर के बड़े लोग देते हैं, उसके बाद ही हम लोग देंगे, और मैं तो बहुत छोटी हूँ आप सभी जानते हैं, और छोटी जो होती है ना थोड़ा सा। तो दोस्तों मेरा जो बन पाया है मैं यहाँ पे दे दी मैया को, और कोशिश करूंगी कि और बेहतर मैया आपकी में उठ नहीं रही, इतने सारे गिफ्ट सब दे रहे हैं। बताइए दोस्तों, फाइनली ये रहा मेरे तरफ से, और मतलब मेरी फैमिली की तरफ से रहा ये सारा गिफ्ट भैया भाभी को, और साथ में छोटे से प्यारी प्रिंसेस के लिए। तो मैंने आज फाइनली बता ही दिया कि हमारे घर जो आई है ना माता रानी की, लक्ष्मी माता आई है, तो आप सब बहुत सारा प्यार दीजिएगा। उससे पहले देखते हैं गिफ्ट में क्या क्या लाया है, अपने तरफ से कोशिश किया है हमने अच्छा देने के लिए, आप सब में कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारी शानी बिटिया रानी है ना, एकदम नहीं उठ रही है जल्दी। सबसे पहले हमारी बिटिया रानी के लिए सुंदर सा ड्रेस। छह महीना बाद तुम पहन रहे हो, ये गुड़िया रानी के लिए है। बहुत सुंदर है। इधर रहा भाभी जी के लिए, चलिए चूड़ी बिंदी। हमारे यहाँ एक रिचुअल होता है, मतलब सबको बोलते हैं कि अगर सुहागन औरतों को कुछ दिया जाता है ना, तो उन्हें सिंदूर बिंदी और चूड़ी जरूर देना चाहिए। ये अलग से है, और ये रहा भाभी के लिए सुंदर सा ड्रेस, और साथ में ये भैया का है कपड़ा। और एक चीज जो कि
हमारे तरफ से था क्योंकि सोचे कि भाभी के लिए ना थोड़ा सा अच्छा सा गिफ्ट दे। ऐसे तो गिफ्ट गिफ्ट ही होता है, आप सभी जानते हैं, और गिफ्ट बहुत ही अनमोल होता है। देखो बहुत सारी है। ये देखिए कैसा लगा प्यारी भाभी के लिए। जैसा जितनी प्रीटी जितनी सुंदर है ना, हम कोशिश किए उतना सुंदर देने के लिए। तो आपसे बताइएगा कि कपड़े के साथ साथ ना कुछ गहने दिया जाता है, तो बस हमारा जो था सिंपल सा गिफ्ट था। और भाभी बताएंगे गिफ्ट को कैसा लगा। भैया तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। उससे सबसे बड़ा गिफ्ट है। हाँ चलो हो गया ना, जा गई है। सबसे बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए। सही बात है, हमारे घर में ना मतलब लक्ष्मी आ गई है, तो बहुत बड़ा बड़ा गिफ्ट। और ये लक्ष्मी आएगी तो हमारी पूरी फैमिली आएगी, लक्ष्मी दे देगी। हो गया ना। तो हमारा जो गिफ्ट था कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा, और हो सके तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। और अभी तक जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी हाँ भी और ही बचा है फंक्शन, रुक जाइए। अभी फंक्शन में भाभी के लिए बहुत मतलब प्रकार का खाना बनाया है, भाभी को भी देना है। तो हमारा जो गिफ्ट है वो तो हमारे तरफ से हो गया, अभी मम्मी की तरफ से दोनों माँ की तरफ से मिलेगा, तो वो सब लोग भी देखिएगा। अभी हम लोग का गिफ्ट तो हो ही गया, और फाइनली गिफ्ट जा रहा है माँ जी का, क्योंकि बेबी के नानी है तो उनका भी पर्स बनता है देने के लिए। तो वही भाभी को और भैया दोनों को दिए जा रहे हैं। इधर हमारी प्यारी सी मम्मी जी बैठी हुई हैं, अभी बस देखे जा रहे हैं। कहते हैं ना कि फैमिली अगर साथ हो ना तो गिफ्ट वगैरह कुछ भी मायने नहीं रखता है, और ये पहली बार हुआ है कि मम्मी के समथिंग इस घर में पहली बार आए हैं, और बहुत अच्छा भी लगता है। अगर हर फैमिली ऐसे मिले ना तो आदमी को बिल्कुल कोई दिक्कत होगा ही नहीं। और हमारी कोशिश रहेगी कि आप सबको अच्छा सा संदेश दे पाए। और भाभी की मम्मी आई है तो और ज्यादा खुशी हुआ है। सबके नसीब में सबके भाग में ऐसा संभव नहीं होता है कि खुद बेटी के घर माँ जाती है, लेकिन देखिए एक संजोग ही है कि माँ यहाँ पे आए हैं। भाभी को भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों देखिए दोनों समधिन लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे और कुछ डिस्कस कर रहे हैं, और मम्मी भी सोच रही हैं। मम्मी को देख कितना जमाई आ रहा है, और इधर माँ अपने लिए कुछ बता रहे हैं क्योंकि माँ यहाँ पे क्या खाना खा रहे हैं। माँ को यही खाना खाना है क्योंकि माँ चावल नहीं खा सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा परंपरा होती है जिसके लिए। तो इधर देखिए आज का हमारा खाना का मेन्यू में क्या क्या बना था, और ये वाला पत्तल में खाने का मजा ही कुछ और है गाइस। तो ये बाबू सोया हुआ है तो फटाफट से खा लेते हैं। इधर दीदी खाना निकाल रहे हैं। दीदी तो अभी हम लोग सबको जितने लेडी लोग थे ना, अभी हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए। जेंट्स लोग सारे खा के चले गए हैं। तो चलिए आप सब भी आ जाइए मेरे घर खाना खाने के लिए, और बताइएगा कि सबके यहाँ कौन कौन सी कैसी परंपरा होती है, हमें बारे में नहीं पता है। बट कुछ लोग अगर जानते होंगे तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और छोटी छोटी चीजें अगर गलती हो गई तो प्लीज हमें माफ कर लीजिएगा, छोटी बहन समझकर। तो गाइस आज का ब्लॉग करते हैं एंड, मिलते हैं फिर न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।